अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। उसके लिए मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, आप अपने अंदाजे से बनाइएगा। तो 4 लेग पीस मैंने लिए, और मसालों में मैंने लिए 2 चिकन क्यूब्स, आधा चाय का चम्मच इलायची, वाइट पेपर 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, 4-5 हरी मिर्चें, थोड़े से 2 खाने के चम्मच अनियन, थोड़ी सी दही डालेंगे हम, और कोरिएंडर थोड़ा सा, और ये रोम भी थोड़ा सा हम डालेंगे, ये हैवी क्रीम जिसको बोलते हैं, ये भी हम थोड़ा सा डालेंगे। अभी सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं कढ़ाई में, फिर बाकी का प्रोसेस आपको बताते हैं। अभी कढ़ाई में लिए हमने आधा कप ऑयल, उसमें हमने ऐड किए हरी मिर्चें और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च में अच्छे से भूनेंगे, बहुत ही इजी और आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलते। और साथ में हम अपनी ब्राउन प्याज भी ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएगी, फिर हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे। मसालों के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा गिलास पानी ऐड करेंगे, और मसालों में अच्छे से भूनेंगे और प्याज में 5 मिनट तक तकरीबन हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए बस 5 मिनट हो गए, मैंने इसको अच्छे से चिकन को भून लिया है मसालों में, और प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्चें और लाल मिर्च हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, अच्छे से पहले मसालों में भून लिया इसको, अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही हमने इसमें ऐड कर दिए, अब हम इसको अच्छे से दही में भूनेंगे 10 मिनट तकरीबन। थोड़ा थोड़ा सा अभी पानी नहीं ऐड करेंगे, वही आधा गिलास पानी जो हमने डाला था, फिर अगर ज़रूरत हुए फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डाल रहे। अभी ये है अपनी दही के पानी में, और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है उसमें पकेगा ये। अब इसको हम दही में अच्छे से भूनेंगे 10 मिनट तकरीबन। ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए, हमने अच्छे से चिकन को दही और मसालों में भून लिए। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। ये हमने 1 गिलास पानी डाल दिया, गिलास पानी डाल के अब हम इसको मीडियम आग पे तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको ढक देंगे हम। बस हम ढक्कन बंद कर देंगे इसका। 20 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए, अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे, हमारी चिकन गल गई है बहुत अच्छे से। अब हम इसमें लेमन वाटर और क्रीम ऐड कर देंगे। लेमन वाटर तकरीबन 2 खाने के चम्मच वो मैंने इसमें ऐड किया, और ये क्रीम भी इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी डालूंगी।
क्रीम भी आप ऐड करें, और बस हरा धनिया डाल के इसको कवर कर दें थोड़ी सी देर के लिए। बहुत अच्छे से बन गई है, मज़े की लग रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी बनाई है मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की, बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डाल दिए हैं, हम ढक्कन बंद कर देंगे, थोड़ी देर बाद हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए वीवर, हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, आप रोटी के साथ या चावल के साथ जिस चीज़ के साथ आपको दिल करे आप इसको सर्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।